स्मोकिंग फ्रॉग आपको दिखाया गया कैसे कंप्लीट हुआ, ये आप देख ही चुके हैं। बस इसके घेर पे पीको होना है और ये सब कंप्लीट हो गया है। मेरे कंधे पे पट्टी लगाना है वो हम आपको बताते हैं। ये भी कंधे की पट्टी कैसे तैयार की गई ये भी पूरा दिखाया गया आपको, इसे भी आपने देखा। बस इसमें अटैच करना है वो देख लीजिए। ये जो कंधे की पट्टी है हमें तैयार 7 चाहिए। ये देखिए हमने 14 पे तैयार किया पूरे टक्स डाल के, जो डिज़ाइन ऐसे किया गया था ये सब दिखाया गया है आपको। ये फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पे ये हमारा पूरा तैयार ये देखिए 7 आ जाएगा। इतना ही मुझे चाहिए, 6.5 चाहिए, आधा हमने बढ़ाया क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद ये जो डिज़ाइन डाली गई है यही मुझे बताना है। यहाँ तक क्लियर है? ये जो पूरा इनको इसमें 2-3 डिज़ाइनें होते हैं, हम आपको इन्हें बता देते हैं। ये वाला इन्हें यही पसंद था तो ये डाला गया है ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको ये कॉर्नर का और ये कॉर्नर का पकड़ना है और इसे स्टिच करके फिर ये पर्ल मोती लगाना है। पूरा नीचे तक जाएगा, जैसे कि एक हम करके दिखाते हैं। नीचे से लेंगे तो ये नॉट मेरी अंदर चली जाएगी, फिर इधर लेंगे पार्टनर हमारा ले गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अभी हमारे पास है नहीं फोर्थ मोती, तो हम बता दे रहे हैं। इनको लगाना भी नहीं था, फोर्थ मोती भी ऊपर अगर जिसे डालना हो डाल सकते हैं। फोर्थ मोती होती तो वो लेके फिर हम साइड से ये निडल डालेंगे तो वो इसी धागा नहीं दिखेगा, इस होल के ऊपर वो पोत मोती आएगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसे करके फिर ये हमारा धागा पूरा नीचे तक जाएगा इधर। ये हमारा जब नीचे जाएगा तो ये ऐसे चिपकी चिपकी सी डिज़ाइन आएगी। फिक्स कर लीजिए आप नॉट लगा के। ये तो हमारा ये डिज़ाइन हुआ, फिर ऐसे ही करेंगे, ऐसे पट्टी को फैला लेंगे, फिर ये चीज़ फिर ऐसे लेंगे और ऐसे ये देखिए सेम ऐसे बन गया है। एक बार फिर देख लीजिए, एक इसी स्टाइल में एक और होता है, इसमें ऊपर का ये सेंटर, जैसे ये कॉर्नर है मेरा तो इसके बीच का सेंटर पकड़ेंगे इधर का सेंटर और ऐसे करके टक करके और एक मोती लगा देंगे, तो ये हमारा एक दूसरा डिज़ाइन है। लेकिन ये अगर हमें चाहिए ऐसा तो इसमें ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ये हमारा ये है पूरा ऐसे आएगा, बीच में इसलिए डालेंगे कि जो हमारे धागे की नॉट है ये ऐसे चली जाएगी। फिर ये देखिए एकदम ऐसे आ गए ये। फिर इसे नीचे निडल को हम ले जाएंगे। जब ये नीचे जाएगा तो एकदम चिपका चिपका आएगा, फिर इधर फिक्स कर देंगे। एक डिज़ाइन ये हो गया,
ये तो यही वाली डिज़ाइन हमने बताई दोनों, दूसरी आप देख लीजिए। अब ये वाला भी देख लीजिए जो ऐसे बनता है, सेंटर पे ऐसे लेंगे। चाहे पहले फिक्स करके फिर मोती आप लगाइए। ये हमारा फ्लावर चिपका रहे इसके लिए थोड़ा सा इधर अच्छे से टक कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। कट कर देंगे थ्रेड। अब एक और आप देख लीजिए, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये बहुत सिंपल है, बस ऐसे करके आपको मोती लगा देना है। दूसरा चारों कोनों को अभी तक जैसे हम दो मिलाते थे, ये पकड़ के ऐसे फिर ऐसे टक किया और मोती लगा दिया। इसमें क्या है, ऐसे करेंगे ऐसे फिर इधर का भी कोना पकड़ेंगे, चारों कोनों को पकड़ के फिर हम मोती लगाएंगे तो ये छोटा सा फ्लावर जैसा आएगा। हम आपको दिखाते हैं, आप दूसरी डिज़ाइन देख लीजिए। एक चीज़ और बताना, ये टक्स पड़ा है ना, ये मेरी स्टूडेंट को टक्स पे ही ये डिज़ाइन चाहिए था, ये प्लेन पे और अच्छा लगता है और खूबसूरत लगता है। ये टक्स की वजह से थोड़ा ये जो फ्लावर आ रहे हैं ये बीच बीच में सिलाई दिखती है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। प्लेन होता तो ये और खूबसूरत आता। ये दोनों, ये तो यही डिज़ाइन है दोनों, ये अलग है तो सिंपल ऐसे पकड़ के कर दिया। अब एक और देख लीजिए, चारों कोनों को मिलाया जाएगा। बेटा करो पहले तो ये, जैसे ये है ना ये कपड़ा, इसको बीच से ऐसे बैठा देंगे अच्छे से, इधर उधर ना रहे, फिर पकड़ेंगे। में हम दो मिलाते थे कॉर्नर का, इसमें सेंटर का मिलाया दो तो ऐसा डिज़ाइन आया, इसमें चार मिला देंगे तो ये ऐसे फूल जैसा आ जाएगा। ये देखिए डिज़ाइन अच्छे, ये तो एक है ये हमारा दूसरा, ये चारों कोनों को मिलाने पे ये देखिए ऐसा है। अब इसमें मोती लगेगा, पूरा नेडल नीचे तक जाएगा। ऊपर अगर करेंगे ना तो डिज़ाइन उठी उठी रहेगी, जैसे पूरा नीडल नीचे तक ले जाएंगे फिर टक करेंगे तो ऐसे हमारा आएगा बैठा हुआ चिपका चिपका। ऐसे ही डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, ये चारों कोनों को मिलाने भी ये ऐसा है। ये आपको इस तरह पता चल गया, हमें तो ये चाहिए। अभी हम खोलते हैं, आपको दिखा रहे थे एक ऐसे दोनों कॉर्नर मिलाइए, एक डिज़ाइन ऐसे सेंटर मिला के होगा, एक चारों कोनों को मिला के आपने देख ही लिया। आपको जो पसंद आए वो
कोना जब भी मिलाएंगे तो ये ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए। पूरा ऐसे फोल्ड, ऐसे एक मिनट करो बेटा, ऐसे पकड़ के ये पूरा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे अभी दिखाया गया ऐसे करके पूरा पूरा लेंगे। फिर यहाँ पर मोती लगा देंगे, जैसे ये लगा, इस तरीके से हमारा ये पट्टी तैयार हो जाएगी। आप फ्रॉक के बेल्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे कुछ लोग बेल्ट डालते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ तो कंधे की ये पट्टी है, स्ट्रिप तैयार हुई है, अभी इसे तैयार करके इसमें अटैच कर देंगे। वो भी हम आपको दिखाते हैं, हमारी स्ट्रिप सफाई लग गई है। हमें ये 7 में किए थे, हमें 6:30 तैयार चाहिए था, हमारा 6:30 पे तैयार है। ये देखिए 6:30 में चाहिए था, 6:30 पे तैयार है। इस तरीके से हमारी ये कंधे की पट्टी भी लग गई, हमारा फ्रॉक तैयार है इस मौके।